ओके हाँ एग्जैक्टली आंसर आपका यूनिक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बट दे हैव गिवन यू यूनिक, तो नो इश्यू, यूनिक ही रहने दो। ओके यू कैन राइट दिस एज यूनिक ओनली। नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। ओके सेकंड फिल इन द ब्लैंक। अ लाइन डिवाइड्स अ प्लेन इन टू ब्लैंक पार्ट्स, नेमली दिस एंड दिस इटसेल्फ। टेल मी, अ लाइन डिवाइड्स अ प्लेन इन टू ब्लैंक पार्ट्स, राइट? लाइन आपको प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? पक्का सोच लो, राइट? लाइन डिवाइड्स अ प्लेन इन टू हाउ मेनी पार्ट्स? See, a line divides a plane into three parts. Yes. Okay. Namely, हम सबका नाम क्या दिया जाता है? Two half planes. एंड अ लाइन इटसेल्फ। ठीक है, देखो आपको हिंट भी दिया था, इटसेल्फ लिखा हुआ है। ओके एंड अ लाइन इटसेल्फ। नाउ अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, हाउ? सो व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन? प्लेन इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स और नॉट, राइट? सपोज मैं यहाँ पे एक प्लेन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, सो दिस प्लेन मीन्स इट कंटेन्स ऑल द पॉइंट्स ओवर हियर, राइट? ऑल द पॉइंट्स इनसाइड दिस प्लेन। Now, if I am drawing any line inside this plane, see over here. Suppose I am drawing any line inside this plane. Okay. Right, suppose this is our line. Now, this line, right? Right. Line ko part hai. Point does not have any other part. Right. Line part hai. Line ke tukde aap kar sakte ho. Line ke upar point hote hai. Infinite points are there on line. Okay. Chalo. Now, here understand this. So how many points are there on any plane? Right, on any plane there are infinite points or not? Tell me. Right, ye sare infinite points hain, bahut sare infinite points hain. Right, tell me. Ye sab infinite points hain everywhere. These points are everywhere, so everywhere or not? Okay, everywhere. Everywhere, everywhere infinite points are there. Okay, smallest part. Smallest part of plane, jiske aur koi part possible hi nahi hai. Now when you will draw this line, अब आप देखो आपके सारे पॉइंट्स कौन कौन से पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, राइट? सो योर फर्स्ट पार्ट इज दिस और नॉट, राइट? दिस इज योर हाफ प्लेन, राइट? सो फर्स्ट योर मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट्स आर ऑन दिस हाफ प्लेन, राइट? और आई कैन से राइट हैंड साइड ऑफ दिस लाइन। इन द सेम वे अदर पॉइंट्स आर ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लाइन। ओके ये आपके हो गए, बट देर इज वन मोर थिंग ना, राइट? देर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑन दिस लाइन एज वेल, right? So whenever you draw one line, right, it divides this plane or any plane into three parts. First part is this half, second part is this half, right, and third part is this line itself. Is it clear? So first half, second half, and line. Put the screen down. Screen down ka matlab kya hai, Afsha? Screen is clearly visible. Right. Is it clear? If there are two lines, then there are more parts. Right. अगर आपके पास दो लाइन है, सपोज ये दूसरी लाइन है, सो 1, 2, 3, 4, फोर पार्ट ऑफ दिस, राइट? ऑल क्वार्टर एंड दिस इज 1, 2, 3, 4, राइट? और आई कैन से दिस वन एंड दिस टू। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? ओके अच्छा, is it clear now students? Okay, shall we move to next question? Now two distinct blank in a plane cannot have
more than one point in common. Now tell me, two distinct blank in a plane cannot have one point in a common. So blank में क्या आएगा? टू लाइन्स है तो हाउ मेनी पार्ट्स, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन. अगर आप दो लाइन ले रहे हो, राइट, इफ यू आर टेकिंग टू लाइन्स, तो वन टू थ्री फोर, फोर पार्ट्स ऑफ दिस प्लेन प्लस टू लाइन्स, राइट, दैट मीन्स सिक्स. ओके, अगर आप टू लाइन ले रहे हो तो वो सिक्स हो जाएगा. टू डिस्टिंक्ट ब्लैंक in a plane, if they are parallel, which cannot have more than one point in common. Right. That means they can have maximum one point in common only. Okay, so two distinct lines. टू डिस्टिंक्ट लाइन्स, ऑफ क्वेश्चन को समझो, मोर देन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट, मतलब मैक्सिमम अगर उनमें कुछ कॉमन होगा तो वो एक पॉइंट ही हो सकता है, राइट. सी ओवर हियर, सपोज आई एम टेकिंग दिस टू लाइन्स, ओके, मैं दो लाइन अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर बिटवीन एनी टू लाइन्स, टेल मी. फर्स्ट पॉसिबिलिटीज, दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग, राइट, ये आपकी फर्स्ट लाइन, ये आपकी फर्स्ट लाइन, दिस इज योर सेकंड लाइन, दिस इज योर सेकंड लाइन, ओके, एंड दिस इज योर थर्ड लाइन. चलो, अंडरस्टैंड दिस थ्री डिफरेंट केसेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्री डिफरेंट केसेस. नाउ केस वन, बोथ दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, राइट. अब वो इंटरसेक्टिंग कुछ भी हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, इंटरसेक्टिंग. सेकंड, दे आर हैविंग पैरेलल लाइंस, ओके. थर्ड, they are having coincident lines, right, or both the lines are coincidence. Chalo, if they both lines are coincident, that means both lines are same or not, implies both lines are same. Okay, here in the question they have specified that your lines are distinct. Now distinct means you are having these two options only, either it is intersecting or either it is parallel. So if they are parallel, how many points are common? Zero common points. If they are intersecting, how many common points? One common point. Now understand this question, blank. Two distinct lines in a plane cannot have more than one point in common. So what is its meaning? It cannot have more than one point in common. That means it can have one or less than one point in common, less than or equal to one point in common. So it can have one point common or less than one is zero point common. So it can have first point common or zero point common. Okay. In case three, both these lines are same, right? Agar wo coincident hai, toh wo dono line same hogi na, Saqib. See over here in case three, this is your big line and under small line, this blue, this both lines are same. Because both can be extended to infinity, right? So distinct means आपका case three नहीं होगा, right? Because case three में आपके दोनों lines same है. Is it clear now? Tell me. नहीं, यशस, एग्जैक्टली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योर प्लेन, यशस, जस्ट गो थ्रू डेफिनेशन ऑफ प्लेन, राइट. प्लेन में आपकी लेंथ एंड विड्थ दोनों इनफाइनाइट होती है, ये आपको समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है,
और योर प्लेन आपकी लेंथ भी इनफाइनाइट होती है, विड्थ भी इनफाइनाइट होती है. ओके, इसका कोई एंड नहीं होता, देयर इज नो एंड टू एंड ऑफ योर प्लेन. ओके, कोइंसिडेंट मींस देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन, राइट. यहां पे आपके इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है. इन केस थ्री इनफाइनाइट पॉइंट्स आर कॉमन. डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट. ओके, डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट. इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन में आपको वर्ड्स के साथ ही खेलना है. डिस्टिंक्ट मींस बोथ आर डिफरेंट लाइंस. ओके, एंड हियर इनफाइनाइट पॉइंट्स आर कॉमन. ओके, अच्छा. नाउ अव्यय, इफ दे आर पैरेलल इन प्रीवियस क्वेश्चन, सपोज यहाँ पे वो पैरेलल है, तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 1, 2, 3, 3 पार्ट्स ऑफ दिस प्लेन एंड 2 ऑन लाइन, सो देयर आर टोटल 5 पार्ट्स. ओके, 3 पार्ट्स ऑफ प्लेन एंड 2 आर ऑन लाइन. हाँ यशश, दोनों इनफाइनाइट है, वो कहीं नहीं मिलेंगे. ओके, वो जस्ट प्लेन को आपके दो पोर्शन में डिवाइड कर देगी, दैट्स इट. इनफाइनाइट मिलेंगे तो क्या होगा? ओके, चलो. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हाँ, टू डिस्टिंक्ट लाइंस पैरेलल हो सकते हैं ना, वो है ना, ये डिस्टिंक्ट लाइंस पैरेलल है. नहीं, डिस्टिंक्ट लाइंस कोइंसिडेंट नहीं हो सकते. अगर वो कोइंसिडेंट हो रहे हैं, दैट मींस दे आर सेम, राइट. डिस्टिंक्ट लाइंस कभी भी आपके कोइंसिडेंट नहीं हो सकते. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, राइट. जस्ट नाउ यू हैव टू टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. आई विल टेक फर्स्ट स्टेटमेंट. A straight line can be drawn from one point to another. From one point to another. A straight line can be drawn from one point to another. Tell me, true or false? True, right? This is your Euclid's first postulate or not? Okay. Isn't it your Euclid's first postulate? True. Chalo. Second. The edges of a surface... सर्फेसिस आर पॉइंट्स. कोई भी सरफेस है, वो सरफेस की एज है, वो पॉइंट्स है. बोलो, एजेस ऑफ सर्फेसिस आर पॉइंट्स. फॉल्स. क्या है तो फिर? नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ट्रू बोल रहे हैं. ट्रू नहीं होगा ना, फॉल्स होगा. यस, देर आर लाइन्स. ओके, एजेस ऑफ सर्फेसिस आर लाइन्स विच आर योर इनफाइनाइट लाइन्स. ओके, और ये एजेस भी पूरी इनफाइनाइट होती है. Third, infinitely many lines can be drawn through two points. Now tell me, from two points, how many lines can you draw? Can you draw infinitely many lines? False. So what is true statement? From one point you can draw infinitely many lines, and from two points you can draw only unique line. Okay. ओके ओके ओके, चलो क्वेश्चन स्लोली बोल रहा हूँ. तो पहला क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट. दूसरा क्वेश्चन था आपका एजेस ऑफ अ सर्फेसेस आर पॉइंट्स. ओके, और तीसरा क्वेश्चन था आपका इनफाइनिटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू टू पॉइंट्स. चलो फोर्थ क्वेश्चन. टू लाइंस कैन हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन. टू लाइन्स कैन हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन. अब यहाँ पे आपको कुछ डिस्टिंक्ट है या सेम है, ऐसा कुछ नहीं बोला है. टू लाइन्स कैन हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन. फॉल्स, राइट. फॉल्स. Because it can have no point in common, it can have one point in common, or it can have infinite points in common.
Okay, 0 point, 1 point, or infinitely many points. Okay, already we have seen this example. So two lines can have only 1 point in common. Chal. How many common can be distinct? In distinct, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया होता कि टू डिस्टिंक्ट लाइन्स, सो टू डिस्टिंक्ट लाइन्स में ये दो पॉसिबिलिटी है, जीरो और वन. ओके, बिकॉज अगर दोनों डिस्टिंक्ट लाइन्स आपके पैरेलल हैं, दैट मीन्स जीरो कॉमन पॉइंट, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग दैट मीन्स वन कॉमन पॉइंट. ओके, द बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर कर्व्स. टेल मी, बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर कर्व्स. अगर आप कोई भी सॉलिड ले रहे हो तो क्या उसकी बाउंड्रीज कर्व है कि सरफेस है? नहीं, लाइन भी नहीं है भाई, लाइन इज ऑल्सो कर्व, राइट? इट्स बाउंड्री. बाउंड्री बाउंड्री ऑफ कर्व्स आर सरफेसेस और नॉट? ओके, फिर सरफेसेस का आपका वो होगा. The boundaries of solids are curves. Okay, sorry my mistake. So boundaries of solids are curves or straight line. Don't angry, right? So boundaries boundaries of solids are curves or straight line. ओके, क्वेश्चन थ्री का आंसर आपको गलत दिया गया है. टू लाइंस कैन हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन. टू लाइंस कैन हैव ओनली पॉइंट इन कॉमन. क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फोर का आंसर आपको ट्रू दिया गया है. वो एक बार आप देख लेना. अच्छा, चलो लेट अस सी नेक्स्ट. नाउ लेवल टू, क्वेश्चन नंबर फाइव. हाँ, हो सकता है उन्होंने जो आंसर दिया वो सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन लेके लिया हो, बट वो आपको देखना पड़ेगा. लेवल टू क्वेश्चन नंबर फाइव, जस्ट वेरीफाई दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट? अगर उन्होंने भी वही दिया है तो वो आप एक बार देख लेना. ओके, वेरीफाई एनसीईआरटी एंड और स्कूल, क्योंकि आपके स्कूल में जो बोले वो करना, दिस शुड बी रियल. ओके, चलो. गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ विल यू डिफाइन देम? सो लेट अस सी देम. फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट, राइट? आपको इसकी डेफिनेशन देनी है. और लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन देने के लिए क्या आपको और कोई चीज है जिसकी डेफिनेशन पहले देनी पड़ेगी? और अगर वो देनी पड़ेगी तो वो सारी चीजें क्या है, राइट? डिड यू गॉट दिस क्वेश्चन? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो लाइन सेगमेंट फर्स्ट, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन दिस लाइन सेगमेंट? टेल मी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट? Yes. बोलो. A straight line drawn from any point to any other point is called a line segment or not? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, terminated line. Okay. So a straight line drawn from any point to any other point. A straight line drawn from any point to any other point is called line segment. Okay, so straight line drawn from any point
to any other point, it's called line segment. Yes, a line which has two endpoints. Okay, so exactly it is a part of a line. Okay, basically it is a part of a line. Chalo, second ray. Now, what is the definition of ray? Tell me. We are going to define this ray. No, point आपको define करने की जरूरत नहीं है, right? क्योंकि point आपको already वो है ही. हाँ, वो नीचे हम करेंगे, ठीक है? उन सबको define करने के लिए अभी पहले सारी definition लिख देते हैं. In the end we will write, okay? Okay? फिर वो point का वो करेंगे. Okay, so one point is n and one point is infinitely produced, right? So a part of a line which has only one end point is called a ray. Okay, a part of a line which has only one end point. Line ke dono point endless hain. Okay, but a part of a line which has only one end point. Is called ray. Okay, so इसको बस एक ही end point है, that is called your ray. Third definition, that is your of parallel lines. Now tell me, what is your definition of parallel lines? अगर यशस्व सिंगल पॉइंट से अगर आप रे सिर्फ लाइन पे ही आपको ड्रॉ करना है, ऐसी कंडीशन है, तो फिर दो हो सकते हैं, राइट? हाँ, सो टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे नेवर मीट और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इवन इफ दे आर एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी. ओके, इवन इफ दे आर एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी. टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल if they do not meet or intersect each other even after extended to infinity. राइट, मतलब उसको इनफाइनाइट तक भी एक्सटेंड करोगे तो भी वो एक दूसरे को मिलने वाले नहीं है. ओके ओके, यस, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डज नॉट चेंज. यस, एंड फाइनली परपेंडिकुलर लाइंस. Now tell me, what is the definition of perpendicular line, students? ये चैप्टर में बस ये सारी चीज आपको लिखनी है, that's it. Okay. Two lines which form 90 degree when they meet at a point. Okay. Two lines are said to be perpendicular if they intersect at right angle. Right. Two lines are said to be perpendicular if they intersect at right angle. Okay. So if they will intersect at right angle, they will give you perpendicular lines. Is it clear? Please give me some response, students.
Okay, so these are your definition of these required terms. Right. Now we need to write that before giving these definitions, what are the extra terms that we need to define first? Okay. So see over here. चलो तो जैसा कि आपने बोला सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करेगा लाइन क्या करना पड़ेगा डिफाइन लाइन करने के लिए पहले पॉइंट सो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ पॉइंट अ स्मॉल डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल ऑन अ शीट ऑफ पेपर गिव्स एन आइडिया अबाउट अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन इट हैज ओनली पोजिशन ओके सो डायमेंशन लेस पोजिशन यू कैन सी विच हैज नो पार्ट जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं ओके नेक्स्ट लाइन राइट क्योंकि हमने फिर लाइन का भी यूज किया है रे के अंदर सो लाइन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच हैज लेंथ एंड नो ब्रेथ ओके ब्रेथलेस लेंथ एंड एंगल क्योंकि एक जगह पे हमने राइट एंगल भी लिया है राइट सो एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट ओके तो To define these terms, we need to define following terms. So our first term is we have to define point. Okay. Our second term is line. So पॉइंट को आपने कैसे डिफाइन किया था स्टूडेंट्स सो पॉइंट आपको बस फॉर्मूला बुक में से लिखना है सो पॉइंट इज नथिंग बट योर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्लेन राइट और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द जियोमेट्री विच इज नो डायमेंशन नो फर्दर पार्ट्स एंड इट इज ओनली पोजिशन ओके सो इट हैज नो फर्दर पार्ट्स एंड इट हैज ओनली पोजिशन Next line. So how is your line is defined, students? Okay, set of points which has length only and no breadth. Okay, so breadthless length. Okay, and the third one that is your final one is required is angle. But वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, because हमने यहाँ पे एक right angle define किया तो पहले angle define करना पड़ेगा. So an angle is the union of two non-collinear rays with a common initial point, right? This is called your angle. The angle आपका union है ये दो rays का, and these two rays should not be collinear. क्योंकि अगर collinear हो गया मतलब वो एक ही line में है, तो angle either आपका zero हो जाएगा, either your angle will be 180 degree. Okay, so zero और 180 define नहीं है, कुछ अलग होना चाहिए, right? So a line is the set of, An angle is the union of two non-collinear rays with a common initial point. दोनों का initial point common होना चाहिए. दोनों का initial point common होना चाहिए. Okay. So an angle is the union of two non-collinear rays. Two non-collinear rays. With a common initial point. Is it clear now? Tell me. Okay. So, ये आपकी definition थी. चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स हाँ यस याशिला यू कैन डिफाइन लाइक दैट ऑल्सो इट इज ऑल्सो राइट ओके एंगल गिव्स यू अमाउंट ऑफ रोटेशन और मेजरमेंट ऑफ रोटेशन नो यूनियन मीन्स कॉम्बिनेशन यूनियन मीन्स कंबाइनिंग राइट यूनियन मीन्स इट्स कॉम्बिनेशन यू आर कंबाइनिंग दिस टू रेज सो दिस इज योर यूनियन ओके यूनियन मीन्स इट्स कॉम्बिनेशन
Now, question number 6, how many planes can be made to pass through 3 distinct points? Tell me. Through 3 distinct points, how many planes can be made? Right. If you are having 3 distinct points, how many planes can be made? Here they haven't specified that your 3 distinct points are how. Okay. So, the answer depends on how your 3 points are. See over here. So, here there are 2 cases. Case 1. If 3 points are collinear. Okay. And case 2. 3 points are non-collinear. So, what you are answering is only one. It is when these points are non-collinear. Okay, then only one unique plane can pass through these points. Right. So, if I take case 2, that is non-collinear. Right. Non-collinear means these 3 points are on different places. So, at that time, how many planes you will get? Only one plate. Only one plane. Right. So, at that time, you will get one unique plane. Right. Now, if you take all collinear points, see over here. If all are collinear points, collinear means, what is its meaning? Collinear ka matlab kya hai? 1, 2, 3. They are on single line or not? Right. Collinear means they are on single line. Chalo, now. So, from one point, you know that there can have infinite lines, right? Ek point mein se aapke infinite lines jaake. In a same way, ek line mein se kitne planes jayenge? Tell me. How many planes you can draw from here? One line. Think carefully. Right, this is your first plane or not? Okay. Yes, very good, Vaishnavi. Think, students, think carefully. This is your second plane or not? Okay. Think carefully. This is your third plane or not? Right. You have to visualize this in 3D. Okay. Are you getting my point? Yes. So now tell me, how many points you can have? Infinite points or not? Okay. Right. Yes. So from single line, up infinite points pass kar sakte hain. Okay. Infinite planes can pass through this single line or 3 collinear points. Okay. Is it clear? Chalo. Is aapka example iske liye aapki book, right? Your notes. Aapke notes mein bahut sare pages hote hain. And sare pages yahan pe bind kiye hue hain, right? So this is your single line and you are having so many pages in your books. So many pages. Are you getting my point? All your pages are your, right? All your pages are your planes only. So from these 3 collinear points or from one line, infinite pages can pass or not? Infinite planes can pass or not? Okay. Angle definition ye hai. An angle is the union of two non-collinear rays with a common initial point. Okay. तो दो आपको नॉन कोलिनियर रेज लेने हैं जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है. ओके okay? नहीं, लेंथ एंड ब्रेथ आर इनफाइनाइट, आई एग्री, बट ये सारे प्लेन्स अलग होंगे ना. इन सभी जगह पे ये लेंथ और ब्रेथ को इनफाइनाइट कर दो, राइट? इन सभी जगह पे लेंथ और ब्रेथ को इनफाइनाइट कर दो, फिर भी सारे प्लेन्स अलग होंगे. दैट इज नॉट स्पेस. प्लेन इज 2D एंड द स्पेस इज 3D. ओके, सो इन द 3D स्पेस यू कैन हैव इनफाइनाइट 2D प्लेन्स. Okay,
नॉन कोलिनियर पॉइंट का कोई एग्जाम्पल नहीं, यू कैन टेक एनी नॉन कोलिनियर पॉइंट, ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट. क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट प्लेफेयर्स एक्सियम. ओके चलो, यहाँ पे आपको प्लेफेयर का एक्सियम पूछ रहे हैं, प्लेफेयर्स एक्सियम. दिस एक्सियम इज इक्विवेलेंट टू विच पोस्टुलेट इन यूक्लिड जियोमेट्री. तो आप एनसीईआरटी में पढ़े हो ये एक्सियम, टेल मी, क्या प्लेफेयर्स एक्सियम आपको पढ़ाया था एनसीईआरटी में, पढ़ाया स्कूल में पढ़ाया है? Right. कुछ स्टूडेंट तो फिफ्थ पोस्टुलेट लिखने लगे, कुछ स्टूडेंट बोले नहीं, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं यस, ओके राइट. सो फॉर एवरी लाइन एल एंड एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी नॉट पैरेलल टू एल. चलो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वी आर नॉट हैविंग टाइम. सो आज का आपका होमवर्क ये है, फॉर्मूला बुक में वो पोस्टुलेट एंड एक्सियम जो मैंने आपको बोला राइट, वो आपको 3 times लिखना है. एंड रेगुलर बुक में आपको 9M 5.1 फिनिश करना है, 9M 5.1 फिनिश करना है राइट, इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क. और आपसे मैंने आपको बोला ये सारी चीजें आपको एक ही असाइनमेंट में सबमिट करनी है, होमवर्क July 14th राइट, एक ही असाइनमेंट में ये आपको सबमिट करना है स्कैन करके, फॉर्मूला बुक एंड रेगुलर बुक. ओके, इज इट क्लियर? विच पार्ट कृष्णा, ये सारी आपके पास लिंक अवेलेबल ही है. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क एवरीवन, राइट, फॉर्मूला बुक रेगुलर बुक, फॉर्मूला बुक में आके पोस्टुलेट एंड एक्सियम.